खबर रीवा से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रीवा आगमन के एक दिन पहले हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने भाजपा नेता का नाती बताया है और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए यह बात कही है कि अगर वह अपने आप को बेटियों का मामा कहते हैं तो क्या अपनी ही पार्टी के नेता के नाती को जिसने दुष्कर्म किया है फांसी चढ़वाएंगे या फिर वह फरार ही रहेगा। कविता पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि रीवा में भ्रष्टाचार से बनी बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए अपराधी को बुलाया गया था, वह तो अच्छा हुआ कि नाबालिग ने हिम्मत करके शिकायत दर्ज करा दी, वरना रीवा की आम जनता के साथ क्या क्या होता कौन जानता। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रशासनिक अफसर इस मामले में उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। वह मांग करती हैं कि भरे SAF ग्राउंड में मुख्यमंत्री के सामने दुष्कर्मी को फांसी दी जाए, तभी रीवा की जनता चैन की सांस लेगी। दुष्कर्मी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दुष्कर्मी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दुष्कर्मी को फांसी दो, फांसी दो। 2 तारीख से रामनवमी आ रही है, दुर्गा नवमी आ रही है, तो उस बालिका के साथ जिस तरीके का जगह में आप विभत्स करते हुआ है, तो हम लोग उस जगह को गंगा जल लेके आए हैं और उस जगह को हम शुद्ध करना चाहते हैं। तो ये 2 इजाजत हम मांगने आए हैं प्रशासन से। हम लोग देखिए कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आगे हमें समय दें ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है ये सारे के सारे लोग भाजपा से जुड़े हैं। आप जानते हैं कि जो भाजपा के सांसद हैं उनका ये जो अपराधी चरित्र उनका नाती है, तो इस तरीके का जो सफेदपोश अपराधी होते हैं उनको बचाने का सरकार अमूमन प्रयास करती है। मेरा अनुरोध है कि आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी रीवा पधार रहे हैं। उनके आने के पहले रात्रि को एक नाबालिग बालिका के साथ राजनिवास में, जिस राजनिवास में स्वयं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और देश के जो सर्वश्रेष्ठ राजनयिक होते हैं वो विश्राम करते हैं। अतिथि गृह है हमारी रीवा की, आन बान और शान है, मुझे लगता 100 बरस से वहाँ अतिथि विश्राम गृह रहा। वहाँ पर एक अपराधी जो संत का चोला पहना था और जो कह रहा था कि 1 तारीख से हमारे रीवा में समदड़िया मॉल का उद्घाटन होगा, कथा होगी, खूब होर्डिंग पोस्टर पूरे रीवा में लगाया और जगह जगह चंदा उगाही की खबरें आ रही थी, उस अपराधी संत का चोलाधारी भ्रष्टा बलात्कारी द्वारा एक नाबालिग बालिका की के साथ बलात्कार किया गया, अस्मत लूटी गई और उसके बाद वो गायब है। वो सफ़ेद पोश अपराधी एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता का नाती आप सब जानते हैं, इसीलिए अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम सब मांग करते हैं कि सफ़ेद पोश अपराधी को फांसी दी जाए चौराहे पर खड़ा करके। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि मैं बहनों का भाई हूँ और भांजियों का मामा, तो उस भांजी की जिसने अस्मत तार तार करी है तो बुलडोजर मामा उसके घर पर कब बुलडोजर चलाओगे? उसको क्या चौराहे में फांसी दोगे? या अस्मत उस बिटिया की लूटी गई है तो क्या भरे SF ग्राउंड के मंच से आज आप रीवा वालों से, बेटियों से, बहनों से माफ़ी मांगोगे? हम इंतज़ार कर रहे हैं और हम ये गंगा जल ले कर आई हैं हमारी बहनें और हम जा रहे हैं राजनिवास इस गंगा जल को लेकर पवित्र करने के लिए। और हमने SP से टाइम मांगा है शिवराज सिंह जी से मिलने का। हमारी आपकी बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बताएं कि हमको, हमसे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रिय मामा कब हमें समय देंगे या छुपते छुपाते रीवा से भाग जाएंगे? जगह जगह पुलिस हमें रोक रही है, हमें कहीं आने नहीं दिया जा रहा। हम राजनिवास जाना चाहते थे शुद्धिकरण के लिए, ये गंगा जल लेके, तो हमें राजनिवास नहीं जाने दिया गया, हमें SF ग्राउंड नहीं जाने दिया गया। तो क्या हम भांजियाँ नहीं हैं क्या? उस जो बालिका के साथ जो अत्याचार अनाचार हुआ है, क्या वो बिटिया को न्याय नहीं मिलना चाहिए? यदि माननीय मुख्यमंत्री रीवा आए हैं तो हम गंगा जल से उनकी शुद्धि करेंगे। की भी जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर भी अपराधी। ये एक मामला बाहर आ गया है, ना जाने इस तरह से उन्होंने कितने कांड किए होंगे, तो उसकी भी तो जहां जहां ये गया हो, जिन जिन शहरों में गया हो, जहां जहां रुका हो, उन सब की जांच होनी चाहिए।